1514 में आज ही के दिन पोप लियो एक्स ने दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया। 1551 में आज ही के दिन मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ। 1641 में आज ही के दिन यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की। 1659 में आज ही के दिन एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। 1758 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार इंग्लैंड नरेश ने दिया। 1760 में आज ही के दिन फ्रांसीसी जनरल लेली ने पांडिचेरी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1809 में आज ही के दिन इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया। 1858 में आज ही के दिन नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। 1867 में आज ही के दिन पेरू ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1912 में आज ही के दिन रेमंड पोंकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। 1954 में आज ही के दिन जगतगुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया, उन्हें 5 बार जगतगुरु चुना गया। 1966 में आज ही के दिन इंडोनेशिया ने राष्ट्र संघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। 1966 में आज ही के दिन भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1974 में आज ही के दिन विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई। 1977 में आज ही के दिन भारत के एकमात्र फॉर्मूला वन चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 1982 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। 1886 में आज ही के दिन मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू हुआ। 1989 में आज ही के दिन इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। साल 2000 में आज ही के दिन कंप्यूटर बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव वाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। 2007 में आज ही के दिन नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली।